दोस्तों आप लोगों ने इंसान और इंसान के बीच युद्ध होते तो जरूर सुना होगा, पर क्या आपने इंसान और पक्षियों के बीच युद्ध के बारे में सुना है? जी हाँ गाइस, ये एक सच्ची घटना है जिसमें करीब 20,000 पक्षी और इंसानों के बीच लड़ाई हुई थी। ये घटना साल 1932 की है, जब ऑस्ट्रेलियन सरकार ने रिटायर्ड सोल्जर्स को खेती करने के लिए जमीन दी थी। और जब सोल्जर्स या किसान बनकर अपनी अपनी जमीनों पर खेती करने लगे, तब उनकी फसलों पर विशालकाय पक्षी एमून ने हमला कर दिया। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन पक्षियों की संख्या 2-4 नहीं बल्कि 20,000 के करीब थी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने गन से लेस एक सेना की टुकड़ी को इन पक्षियों से लड़ने के लिए भेजी। लेकिन जब भी सोल्जर्स निशाना लगाते, उससे पहले ही एमू का झुंड सतर्क होकर वहाँ से भाग जाता। करीब 6 दिन तक चले इस युद्ध में सोल्जर्स 20,000 एमू में से मुश्किल से 50 को ही मारने में सफल हो पाए। इस घटना को द ग्रेट एमू वॉर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें इन पक्षियों की जीत हुई थी।